क्या हुआ बाबूजी, कैसे उदास बैठे हो? क्या हुआ साले? मेरे दुश्मन पड़ोसी का लड़का हर महीने सऊदी से 2-2 लाख रुपए भेज रहा है और तूने आज तक 2 पैसे कमा के ना दिए मुझे। ये देख हमारी चुपड़ियाँ हैं, उनने महल बना लिए महल। 15 दिन से नमक के चावल खा रहे हैं, वो भी उबले हुए। बड़ा आए वहाँ से पूछने वाले क्या हुआ। तो मैंने कहा था तुमसे कि तुम उबले हुए चावल खाओ। फालतू बोलना बताऊँ तुझे? शुक्र माना उस दिन मेडिकल बंद था, वरना तू आज यहाँ पर नहीं बैठा होता। और बैठा कैसे मेरी सूरत पे? तो क्या करूँ मैं? देख मेरे बेटे, अब तू बड़ा हो गया है, ये यारी दोस्ती थोड़ी कम कर दे और जंगलों में घूमना कम कर दे। अपने पैरों पे खड़े हो जा, पैरों पे। बस बाबूजी इतनी सी बात? ये लो हो गया खड़ा। ना बैठ रहा तू? देखो मेरे बेटे, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। अब हो गए तुम बड़े, अब तुम्हें भी मेरे जैसी जिम्मेदारी उठाना बहुत जरूरी है, समझ गए तुम? आप ठीक कह रहे हो बाबूजी, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बताओ फिर कहाँ रखी जिम्मेदारी? अभी उठाता हूँ। फिर मुझे शाम को 5-स्टार होटल में भी जाना है। साले तीनों टाइम उबले हुए चावल खाने वाले 5-स्टार होटल में खाना खाएंगे। कुछ ऐसा काम देख ले जिससे घर के घर में पैसा ही पैसा आ जाए। जब देखो बैठा रहता है सूरत पर। बाबूजी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। बाहर जो अपना टेम्पो खड़ा है उसे बेच देते, अपने पास पैसा ही पैसा आ जाएगा। चुप साले, तेरी लौंडी आवाज़ और दोस्ती के चक्कर में मेरी जमीन तो बिकी गई है, एक टेम्पो रह गया वो भी तो बिकवा दे। अरे बाबूजी अपने पास नमक खाने के लिए पैसे नहीं है, उसमें डीजल कहाँ से भरवाओगे? मैं कह रहा हूँ उसे बेच दो, फायदे में रहोगे, बहुत पैसा आ जाएगा। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, चल इसे बेचने चलते हैं। अरे बाबूजी रुको, तो इसे अपने थोड़ी बेचेंगे, इसे बेचेगा दलाल, वो अपनों को अच्छे पैसे दिला देगा इसके। चल ठीक है, तो तू दलाल को बुला के लेके आ। ठीक है मैं बुला के लाता हूँ। कौन सी गाड़ी है? छोटा आती है। कितने मॉडल है? 15-16 मॉडल है। कलर कौन सा है? ब्लू कलर। टायर कौन सी कंपनी की? MRF के हैं। गिर गए क्या? क्या सब कुछ यहाँ से पूछ लिया, वहाँ जाकर कुछ देख लिया? चलो देखो दलाल भाई साहब, ये है हमारी गाड़ी। अच्छा तो ये गाड़ी है? हाँ भाई साहब यही गाड़ी है। तो आप कितने की बेचोगे ये? ये बात तो तुम्हें हमारे बाबूजी से करनी पड़ेगी। चलो तो फिर चलो, लो कर लो हमारे बाबूजी से बात। तो भाई साहब कितने की बेचोगे अपनी गाड़ी? तुम बताओ कितने तक की बिक जाएगी? काफ़ी पुरानी गाड़ी है भाई साहब आपकी। पुरानी है? 2021 मॉडल है। तो कितने पैसे दिला रहे हैं आपकी गाड़ी के बताओ? बिकवा दो अपने हिसाब से। तो ये अपनी गाड़ी 1.5 लाख की बिक जाएगी। ओए नशा सो करके आया क्या साले? एक नंबर चमचमाती गाड़ी है, 1.5 लाख की बिकवाएगा तू? बोलो अड़े कैसा दल लेके आया तू? ए दल्ला नहीं दलाल, बोल दलाल। अरे भाई साहब दल्ला हो ये दलाल, बात तो एक ही है। अरे क्या एक ही है? गुअर गोबर में अंतर नहीं है क्या? अबे क्या पागल हो गया है, गुअर गोबर में अंतर है, दल्ला और दलाल में कहाँ अंतर है? कैलेंडर नहीं, दल्ला दल्ला को, दलाल दलाल को। चलो सब कुछ छोड़ो, तुम गाड़ी के सही दाम बताओ। तो सही दाम इसके मिल जाएंगे भाई साहब आपको 1,60,000 रुपये। 1,60,000 में नहीं बेचना है? फिर कितने में बेचना है बताओ? कम से कम 3 लाख की तो बेचना ही बेचना है। इतने में नहीं बिक पाएगी भैया, इतने में नहीं बिक पाएगी तो नहीं बेचना है भैया। तो एक काम करो भैया, अपनी घरवाली बात है, तुम्हारी गाड़ी 1,65,000 की बिकवा देंगे। 1,65,000 में नहीं बेचना है? 1,75,000। अरे हाँ 1,70,000 ना। 1,80,000? हाँ 1,90,000? ना ना, इतने में बेचेंगे ही ना हम। चलो ऑटो ना तुम्हारी ना हमारी, 2 लाख रुपये में डन है। 2 लाख रुपये में गाड़ी पे हाथ ना धरन देंगे हम। अरे बेटे समझा अपने बाबूजी को, अच्छे दाम दिलवा रहा हूँ। क्या रे तू इतने कम पैसों में बिकवाएगा गाड़ी? अरे दल्ला भाई साहब मारा तो दल्ला नहीं दलाल बोल। हाँ हाँ भाई दलाल भाई साहब, हम इतने में नहीं बेचेंगे गाड़ी। तू मुझे आदमी बढ़िया लग रहा है, मेरे गाड़ी 2,10,000 में बिकवा देंगे। हाँ ठीक है बाबूजी बेच दो। अरे क्या पागल हो रहा है, 2 लाख रुपये में बहुत दलाली खाएगा ये? मैं ईमानदारी की दलाली खाता हूँ और जो है 500 रुपया। हमें गाड़ी बेचनी नहीं है, तुम अब जाओ। हाँ मत जोड़ो यार, तुम जा रहे डेट कर रहे हो, 2,50,000 में बिकवा दूंगा। अरे मालिक तुम जाओ यार यहाँ से अब। देखो भाई साहब ऑनली हम बिकवा सकते हैं 2,25,000 में, पूरे बरेली का दलाल कोई भी बिकवा नहीं सकता इतने पैसों में। अरे भजा इसको, ये मैं मार के भजाऊँ अभी। बेटा समझा अपने बाबूजी को। देखो दल्ला भाई साहब, ना तुम्हारी ना इनकी, 2.5 लाख में फाइनल करो हटाओ। चल ठीक है, अगर मेरे लड़के ने कहती 2.5 लाख की बेच दो तो 2.5 लाख की दी। फिर ऐसा करो, 2,30,000 में डन है।
तेरी सारे दरले। अरे ना ना ना, गहराग में फैलाना है, बैठो गहराग में फैलाना है, लाओ लाओ बैठ के आत्म। क्यों भाई, ये गाड़ी बिकाऊ है क्या? ना, ये हमने इतना बड़ा लिख रखा है, ये पोस्टर थोड़ी ना है, ये तुम्हारी बाबू की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट है। मादा चोद, तुझे उल्टा बोलना बता दूं अभी? अरे तो इतना बड़ा लिखा है बिकाऊ है, तू बिकाऊ है यार। हाँ तो फिर कितने की है? देखो भाई साहब, तुम जाओगे एजेंसी तो तुम्हें पड़ेगी पूरे 8 लाख की, हम दे रहे तुम्हें पूरे ऑनली 2.5 लाख की। चल झाटू नशे में है क्या? ये तू 5 लाख की बेच रहा है, इसमें मैंने 2.5 क्विंटल वजन रख दिया तो उसके लंजर पंजर सब ढीले हो जाएंगे। नहीं भाई साहब, खटारा गाड़ी नहीं है ये, बिल्कुल एक नंबर गाड़ी है, वो तो थोड़ी मजबूरी पड़ रही है इसलिए बेच रहा हूँ यार। वरना लोगों ने इसके 3 लाख रुपए लगा दिए। 3 लाख? वो भी इसके? और क्या, तो बेचो तुम मेरे घंटे से। अरे सुनो तो भाई साहब, तुम तो भागने लगे, बात तो सुनो, डर को आप पहले। हाँ बोल। तो ऐसा करो, 2,49,999 रुपये दे दो। अरे इसने कितने पैसे कम कर दिए, लग रहा है आधे पैसे कम कर दिए, फिर भी महंगी है भाई साहब। तो भाई साहब 1 रुपया और कम कर लो। इसका मतलब तुमने पिछली बार भी 1 रुपया कम किया था? हाँ। अबे सुअर, हम समझे तूने आधे पैसे कम कर दिए, तूने 1 रुपया कम करा ना, लेंगे तेरे टाइम बुझा रहा हूँ मैं। अरे सुनो तो भाई साहब, तुम तो भाग लगाओ, इधर आओ, तुम्हें सच में ना लेना टेम्पू? ना तो कोई टाइम पर बार करो तो लिख नहीं आते। अरे भाई साहब, कहाँ जा रहा हूँ पैदल पैदल? तेरे पिछवाड़े में क्यों झुंझुने काट रहे हैं, मैं पैदल जा रहा हूँ तो। अरे नहीं नहीं, हमारे मतलब तुम्हारे पास गाड़ी वाड़ी नहीं है? ना है लिंग, ये बता क्या करेगा। अरे भाई साहब, हम बैठ तो नहीं है, ले लो। अरे भाई साहब, अभी नहीं लेंगे फिर लेंगे। अरे भाई साहब पकड़ा गया, क्या ऐसी गाड़ी पूरी दुनिया में ना मिले, इसे हाथ से मत जान दो। अच्छा, ऐसा क्या है इस गाड़ी में? क्या है इस गाड़ी में? ओह नो भाई साहब, ये गाड़ी आज तक खराब नहीं हुई है, और पिंटर तो आज तक इसमें हुआ ही ना है। क्या बात कर रहा हो भाई साहब? अरे भाई साहब, एकदम सही बात कर रहा हूँ। अच्छा तो फिर कितने का है ये? अरे भाई साहब, ऑनली 5 लाख रुपए का है, वो तुम्हारे लिए। इतने तो नहीं है भाई साहब। तो फिर कितने हैं भाई साहब? हमारे पास सिर्फ 3 लाख हैं। कितने की तो नहीं भाई साहब ये, लेकिन तुम आदमी में बहुत बढ़िया लगे, तुमने हमारा दिल जीत लिया, इसलिए ये 3 लाख रुपए में तुम्हारे हुई। ठीक है तो ये लो। ये लो भाई साहब, बिक गया आपका टेम्पो। ओ दल्ले, क्या हुआ? क्या हुआ? अबे भाड़ू चोरी की गाड़ी थी, पुलिस ने पकड़ ली। अरे क्यों माका, पूरी दलाली डल्ला में मिल गई, चोरी की थी क्या गाड़ी? हाँ, मैं जब नन्ना सा था तो मेरे बाबूजी ने चुराई थी वो गाड़ी। अबे सालो, पुलिस आ रही है यहाँ पर, जल्दी यहाँ से निकलो। पांक, पांक।